प्रणाम सर। प्रणाम सर। जिला खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए खुश रहिए। क्या हाल है हरि गोविंद? ठीक है सर, आप कैसे हैं? ठीक है। अरे गुरु जी प्रणाम। खुश प्रणाम सर। रहिए खुश रहिए। क्या प्रणाम सर। प्रणाम माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी। सर प्रणाम सर। कुछ रही है सेवेंटीन नाइनटी एट ईस्वी में मार्थस महोदय ने जनसंख्या पर नमस्कार। पुस्तक लिखा। प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। थॉमस थॉमस रॉबर्ट माल्थस।
थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखा है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितिक अनुपात में होती है। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, इसी रफ्तार में जनसंख्या में होती है, जिसे एक्सपोनेंशियल विधि कहा जाता है। संख्या वृद्धि सभी देशों में संख्या का आकार बढ़ा देगी तथा विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ जाएगी। प्रणाम सर। सर ठीक हो गए? जी सर।
निकली है. यस सर. जी सर. जी सर. सत्रह सौ अंठानवे ईस्वी में मार्थस ने लिखा है अपनी पुस्तक जनसंख्या पर एक लेख में कि अनाज का उत्पादन कृषि क्षेत्र में होता है. अनाज का उत्पादन गणितीय अनुपात में मार्थस के अनुसार संख्या वृद्धि बहुत तेजी से होगा. जबकि उसके पाठ में
अनाज में वृद्धि कम हुई, इसलिए जनसंख्या अनाज अनाज के बीच भारी अंतर अनाज के बीच भारी अंतर हो जाएगा। अनाज की मांग अधिक होगी और अनाज की पूर्ति कम होगी। भुखमरी से लोग भुखमरी से लोग मरने लगेंगे। लिख लिए? जी सर। जी सर। जी सर। यस सर।
खाली है सर लिटिल यस सर देखिए माल्थस ने कहा कि जनसंख्या की समस्या का प्राकृतिक निदान प्रकृति प्रकृति जनसंख्या के आकार को सही करेगा
अर्थस ने जनसंख्या वृद्धि मालथस ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के दो उपायों को बतलाया। अर्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के दो उपायों को बतलाया। प्राकृतिक रोग देश में बाढ़ कम व्यापक प्राकृतिक देश में बाढ़ भूकंप महामारी व्यापक तौर पर और मृत्यु दर जाएगी। जाएगी तथा जनसंख्या पर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग जाएगी। मालथस जनसंख्या वृद्धि और रोग प्राकृतिक आपदा तथा महामारी में मृत्यु दर बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि पर रोक प्राकृतिक आपदा और महामारी में मृत्यु बढ़ाकर
लिख लिए? लिख लिए? जी सर। जी सर। कृत्रिम रोग जन्म दर पर नियंत्रण, जन्म दर पर नियंत्रण करने के लिए थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक पादरी होने के कारण परिवार नियोजन तथा ऑपरेशन के पक्ष में नहीं था। जन्म दर में कमी लाने के लिए आत्मनियंत्रण जन्म दर में कमी लाने के लिए आत्मनियंत्रण आत्मसंयम ब्रह्मचर्य पालन देर से शादी करना इत्यादि को पालन करने का सलाह दिए। इससे जन्म दर में कमी होगी और जनाधिक जनाधिक की समस्या
नहीं आएगी। जनाधि की समस्या नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक रूप तथा कृत्रिम के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। हो गया जी सर। जी सर मार्थस ने कहा था पच्चीस वर्षों में देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। और गर्भ गर्भ निरोध के पक्ष में मार्थस नहीं थे, क्योंकि वह कैथोलिक कैथोलिक पादरी थे।
इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन्म दर में कमी आत्मसन्य ब्रह्मचर्य प्रसादी जैसे उपाय को शादी जैसे उपाय को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को सुझाव दिया आलोचना मार्थस ने हरित क्रांति और नारी उत्पादन में को कल्पना नहीं किया माल्थस ने औद्योगिक क्रांति माल्थस ने औद्योगिक क्रांति मार्थस ने औद्योगिक क्रांति की कल्पना नहीं किया मार्थस ने औद्योगिक क्रांति की कल्पना नहीं किया मार्थस ने औद्योगिक क्रांति की कल्पना नहीं किया
परिवार नियोजन तथा गर्भपात के प्रचलन की कल्पना नहीं किया। आज जनसंख्या समस्या इसके विकास की समस्या है। लिख लिए? जी सर। यस सर। जी सर। दैट्स ऑल। ये हर इंटरव्यू में आपको पूछेगा, हर जगह पूछेगा, इसलिए इसमें आपस में डिस्कशन कीजिएगा। प्रणाम सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। वीडियो आओ, कहाँ सब चल गए थे? कार्यकर्ता को प्रणाम कर रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है पता नहीं चला। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम करो, नाम बोलो। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर।